बहुजन दलित पिछड़ा आदिवासी अल्पसंख्यक किसान का बच्चा चुनाव लड़ने से नहीं डरेगा, पैसा आ रहे नहीं आएगा, धनबल आगे आ रहे नहीं आएगा, बाहुबल आगे रहे नहीं आएगा। बहुजन समाज के लोग कितनी मुश्किल से राजनीति में जाते हैं, सब गरीब परिवार से आते हैं, सबको अपने कठिन, मायावती जी ने कितनी तकलीफ से रास्ता बनाया है, मान्यवर साहब ने कितनी तकलीफ से पार्टियां खड़ी की है। संसद में आज बहन जी नहीं हैं, मान्यवर साहब नहीं रहे, रामविलास पासवान जी भी नहीं हैं, लालू यादव का भी पोलिटिकल करियर बर्बाद कर दिया गया साजिश करके, नीतीश कुमार भी नहीं हैं, कौन है संसद में बहुजन की आवाज़? एक पत्रकार जो पिछले 20 साल से पत्रकारिता कर रहा है, 10 साल से बहुजन समाज की पत्रकारिता कर रहा है, वो सिगुफा छोड़ता है, जिस पर 25 करोड़ लोग भरोसा करते हैं, वो सिगुफा छोड़ता है, और वो चाहते हैं कि कोई बहुजन समाज के संवैधानिक अधिकार, आरक्षण, रिजर्वेशन, 90% आबादी की हक अधिकार की बात करने वाला कोई आदमी आए जो 365 दिन काम करता रहता है। नेशनल दस्तक के सबसे वरिष्ठ पत्रकार, फाउंडर कहें, उनको चीफ एडिटर कहें या उनका मुखपत्र चेहरा कहें, शंभू भाई हमारे साथ हैं, चर्चा में हैं, इसलिए हमने उनसे बात करने की कोशिश की है। बड़ी मुश्किल से ये इंटरव्यू हो पाया है। शंभू भाई चुनाव लड़ रहे हैं, आप जानते हैं कि शंभू भाई चुनाव लड़ रहे हैं, ये खबर आप तक पहुँच चुकी है, रोज़ाना लाइव आते हैं रात को 9 बजे के आसपास जब मैं लाइव होता हूँ। कहाँ से चुनाव लड़ रहे शंभू भाई? बिहार के वैशाली, मैं उसी गृह जिला से हूँ, वैशाली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। तो ये संजीदा बात है ना, या फिर कोई ये एक लोकप्रिय सनसनीखेज, कोई आपने शगुफा छोड़ दिया है? कौन लड़ेगा, तो किसके अनाउंसमेंट को आप संजीदा कहेंगे, और किस गरीब का लड़का शगुफा छोड़ता है? एक पत्रकार जो पिछले 20 साल से पत्रकारिता कर रहा है, 10 साल से बहुजन समाज की पत्रकारिता कर रहा है, वो सिगुफा छोड़ता है, जिस पर 25 करोड़ लोग भरोसा करते हैं, वो सिगुफा छोड़ता है? तब तो आपकी भी बात वही है कि जिसके पास धनबल है, बाहुबल है, वही सही सीरियस बात। किस पार्टी से लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे? देखिए, हम लोग की हैसियत पार्टी की नहीं है, मैं यही लाइन खींचने जा रहा हूँ कि वो लोग जो सड़कों पर संघर्ष करते हैं, जिनकी नौकरियाँ जा रही है, जिन पर FIR हो रहे हैं, उनको पार्टियां बुलाएं सम्मान के साथ और टिकट दे। और मेरी लड़ाई ही वैशाली में ही है। वैशाली में पिछले 75 साल से कोई भी SC ST या जनरल या अल्पसंख्यक समाज का आदमी चुनाव नहीं जीता है। तो हमारा एजेंडा ये हुआ कि वो तमाम लोग जो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, उनको ये समाज पसंद करता है, उनको भी सम्मान मिले। आप कहाँ गरीब हैं, आप इतने सारे करोड़ों लोगों का साथ आपके साथ है, कैसे गरीब मान रहे हैं अपने आप ही कह रहे थे सगुफा छोरा, गरीब का मतलब जिनके साथ बहुत सारे लोगों के, दर्शकों की ताकत जुड़ी है, वो तो मजबूत। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ, मैं बहुजन समाज मेरे साथ है, समाज मुझे, मेरी ताकत समाज है, मेरा धन समाज है, और मैं समाज के बल पर ही चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। कौन सी पार्टी, कुछ फाइनल हुआ अभी तक या फिर निर्दलीय? मैं कह तो रहा हूँ कि पार्टी, जो भी पार्टी मुझे एक बार कहेगी जी, मैं जाऊँगा। बाकी पार्टियों से भी मैं अप्रोच कर रहा हूँ, लेकिन मैं 14 अप्रैल से वहाँ प्रचार करने जा रहा हूँ। वहाँ का समाज जो भी मुझे आदेश देगा। फाइनल है आपका वर्डिक्ट कि आप चुनाव में लड़ने वाले? दमखम से लड़ेंगे आप पूरी तरह? 100% लड़ेंगे ही नहीं, आपको चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। वैशाली प्राचीन गणतंत्र की लिच्छी भी है, बिल्कुल। वैशाली सम्राट अशोक की धरती है, बुद्ध की धरती है, भगवान महावीर की धरती है, और वैशाली का नारा है इस बार वैशाली में बहुजन। और वहाँ NDA गठबंधन ने भी जनरल कैटेगरी को टिकट दिया है, जिन्होंने रामविलास जी का घर तुड़वा दिया था, परिवार में फूट डलवा दिया था। अब तक जो 100 घोषित उम्मीदवार है, जिसने कहा था कि मैं उम्मीदवार हूँ, मुझे नहीं पता वो है भी कि नहीं, उसने जिस तरह के जाति सूचक शब्द बोले, मुन्ना शुक्ला, वो पहले किसी और पार्टी में, फिर किसी और पार्टी में, फिर कहीं से और टिकट ले रहा है। तो ये सबके खिलाफ एक वहाँ के जनता में आक्रोश है, और वो चाहते हैं कि कोई बहुजन समाज के संवैधानिक अधिकार, आरक्षण, रिजर्वेशन, 90% आबादी की हक अधिकार की बात करने वाला कोई आदमी आए जो 365 दिन काम करता रहता है। इसलिए मैं जा रहा हूँ वहाँ, और मेरा गृह जिला भी है, तो एकदम श्योर मानिए, जैसा आप कल्पना, सारी जो पैरामीटर्स हैं ना, जो सारी लाइनें हैं, वो खींची जाएंगी। अब कोई बहुजन दलित पिछड़ा आदिवासी अल्पसंख्यक किसान का बच्चा चुनाव लड़ने से नहीं डरेगा, पैसा आ रहे नहीं आएगा, धनबल आगे आ रहे नहीं आएगा, बाहुबल आगे रहे नहीं आएगा, और समाज का तो ये मूड है कि ये जो सो कॉल्ड बड़ी पार्टियां हैं वो भी आ रहे नहीं आएंगी। अगर पार्टियों ने सही कैंडिडेट चुना होता तो मैं पत्रकारिता कर रहा था। ये मैंने 20 से लेकर 25 तारीख के बीच में फैसला किया है, जब मैं वैशाली में था और वहाँ के लोगों ने कहा कि इस बार बहुजन। पार्टियाँ तो संपर्क में होंगी ही, आपको साध रहे होंगे, संपर्क तो साध रहे होंगे आपसे? नहीं, आप जैसे लोग दिखाएंगे तो पार्टियाँ जरूर मुझे मौका देंगी। मैं एक पत्रकार रहा हूँ, समाज की पत्रकारिता की है, मैंने किसी भी बहुजन समाज के नेताओं की आलोचना नहीं की है, मैंने उनके 80% को दिखाया है, चाहे वो मायावती जी हों, चाहे मान्यवर कांसीराम साहब हों, चाहे लालू यादव हों, चाहे जगदेव बाबू हों,
चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे नीतीश कुमार हो, मुझे पता है एससी एसटी ओबीसी बहुजन समाज के लोग कितनी मुश्किल से राजनीति में जाते हैं। सब गरीब परिवार से आते हैं, सबको अपने कठिन, मायावती जी ने कितनी तकलीफ से रास्ता बनाया है, मान्यवर साहब ने कितनी तकलीफ से पार्टियाँ खड़ी की है। ये जो बीच का फेज आया है ना कि पैसे वाला ही चुनाव लड़ेगा और पार्टी टिकट देगी तभी जीतेगा, इस परसेप्शन को तोड़ना है कि नहीं, जनता जिसके साथ है, जो 365 दिन 24 घंटा समाज के लिए काम कर रहा है, किसको राजनीति में जाना चाहिए? जो पैसा वाला है, धनबल है, बाहुबल है। मैं पैसे के खिलाफ नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ गरीबी का मैं रोना नहीं रो रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा आदमी चाहता हूँ। संसद में आज बहन जी नहीं है, मान्यवर साहब नहीं रहे, रामविलास पासवान जी भी नहीं है, लालू यादव का भी पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर दिया गया साजिश करके, नीतीश कुमार भी नहीं है, कौन है संसद में बहुजन की आवाज़? कौन रोहित बेमुला के लिए फिर आवाज़ उठाएगा? संसद आज बहुजन समाज की मजबूत आवाज़ नहीं है। और अगर मैंने 10 साल ईमानदारी से समाज का आवाज़ उठाया है, समाज देख रहा है, 25 करोड़ बहुजन देख रहा है, तो समाज मेरा साथ देगा, दे रहा है। क्या जातीय समीकरण है वैशाली लोकसभा का? जातीय समीकरण नहीं है ये, जातिवाद और धर्म के नाम पर हम लोग वोट नहीं मांगते, हम लोग वोट मांगते हैं स्कूल अस्पताल पर। बहुजन समीकरण है, 90% बिहार सरकार की जाति जनगणना की रिपोर्ट है, 90% एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक को साधेंगे ना, बहुजन को साधेंगे। हाँ तो बहुजन तो ये जाति थोड़ी है, बहुजन बहुजन एक वर्ग है, कम्युनिटी है, जातियों से मिलके तो एक बना है। बाबा साहब संवैधानिक नाम है ये एससी एसटी ओबीसी, हमें जातियों में बांटा गया, हमें धर्मों में बांटा गया, ये न जाति की लड़ाई है न धर्म की लड़ाई है, ये संवैधानिक अधिकार की लड़ाई है, ये 90% लोगों की लड़ाई है, ये शोषित वंचित समाज की लड़ाई है। कौन से चरण में है आपका वैशाली का लोकसभा? छठे चरण में हमारे यहाँ चुनाव है जी। कब जा रहे हैं फिर आप वहाँ? मैं 14 अप्रैल से चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहा हूँ, बाबा साहेब की जयंती के दिन। अप्रैल का महीना महापुरुषों का महीना है, फूले साहब की जयंती है, बाबा साहेब की जयंती है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल से वैशाली में बहुजन चुनाव प्रचार का आगाज होगा। ये थे शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक के जो संपादक हैं और उनका चेहरा है, आपने देखा होगा इनके विश्लेषण की रिपोर्ट। चुनाव लड़ने जा रहे हैं, साथ दीजिए, और अगर इस तरह से चुनाव लड़ के जीता जाता है तो ये एक बड़ी एक परिपाटी होगी, बड़ा बदलाव होगा, मिरेकल होगा। मैं वो और वहाँ पे एस्टैब्लिश पार्टियाँ भी मौजूद हैं, और जो नाम लिया गया जिन्होंने जातिवादी टिप्पणियाँ की वो नेता भी मौजूद हैं, बाहुबल धनबल सब कुछ मौजूद है, वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने कृष्ण आईएएस कृष्णैया की हत्या करने वाले को भी जेल से बाहर निकाला। तो एस्टैब्लिश पार्टियां हैं, लेकिन शंभू कुमार जी जो हैं वो वहाँ पे अपनी दस्तक देने वाले हैं, जो नेशनल दस्तक के जरिए अपनी बात देश भर में पहुँचाते। बने रहिए और खबरें आपके लाते रहेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।